लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश में फैले कोरोना संकट के चलते आज ईद उल फितर का त्योहार लोगों ने घरों में ही मनाया है। हमेशा की तरह आज ईद के मौके पर लोग एक दूसरे के गले नहीं मिले, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए बिना गले मिले एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं कोरोना के चलते लोगों ने आज ईद की नमाज मस्जिदों में नहीं बल्कि घरों में या छत पर पढ़ी। मुस्लिम भाई बहनों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब बिना किसी के गले मिले या हाथ मिलाए ईद की मुबारकबाद दी है, बिना मस्जिद में नमाज पढ़े ईद मनाई है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। हर साल ईद के मौके पर मस्जिदों में अलग रौनक देखने को मिलती थी। बच्चे बड़े सभी नए कपड़े पहनकर मस्जिदों में नमाज अदा करने जाते थे। हर साल ईद पर मेले लगते थे। बच्चों की मस्ती इस त्योहार में अलग ही रंग भर देती थी। देश में यह पहला मौका है जब ईद के पाक मौके पर जामा मस्जिद समेत सभी मस्जिदें बंद हैं। बता दें कि फतेहपुरी मस्जिद के इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद के अनुसार ईद की नमाज पढ़ने का समय सुबह 7 बजे से 11:15 बजे तक था। इमाम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नमाज में देश को इस महामारी से बचाने की दुआ मांगे। हर साल ईद के मौके पर बाजारों में भी रौनक दिखाई देती थी, लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते सब कुछ फीका लग रहा है। हालांकि लोग घरों में रहकर ही इस त्योहार को बड़ी सादगी से मना रहे हैं और अल्लाह से कोरोना संकट को खत्म करने की दुआ भी मांग रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर से ही सभी को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। मुस्लिम भाई बहनों का कहना है कि इस बार ईद के त्योहार पर गले भले ही ना मिल रहे हों, लेकिन हर बार की तरह आपसी बैर भुलाकर सभी के दिल आपस में जरूर मिल रहे हैं।